कुमार शेट्टी, आज हम स्टार्ट करते हैं। मतलब नेक्स्ट जो पिछले लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहा था टाइप ऑफ स्ट्रेस, इसके अंदर हम पढ़ चुके थे। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, आज मैं वापस आपको एक बार जो हमारे पिछले जो वीडियो में जो मैं आपको बता रहा था, हमारी जो यूनिट चल रही थी बेसिक इंट्रो फॉर अपना जो स्ट्रोक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो फर्स्ट जो बेसिक पार्ट था उसका हमारा जो पोर्शन कंसिडर हुआ है, इसमें मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक एंड इट्स डेफिनेशन। और जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा था वो था टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप हाँ हमने देखा था कि सोम किसको बोलते हैं, इसके क्या एप्लायंस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर पे ये एनरोल करता है, और देन जो हमारा सेकेंड पॉइंट जो आया था टाइप ऑफ स्ट्रेस, इसको हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम देखो यहां पर पढ़ चुके थे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था टाइप ऑफ स्ट्रेस, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था फर्स्ट जो पॉइंट था एक्सियल स्ट्रेस, पहला पढ़ा था हमने नॉर्मल स्ट्रेस, जिसके हमने क्लासिफाइड कर लिए थे फर्स्ट एक्सियल, दूसरा था हमारे पास बेंडिंग, और थर्ड जो था वो था हमारे पास बियरिंग। तो इसमें बेसिक चीज मैं आपको बता चुका था दोस्तों कि एक्सियल किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी मेंबर है, मेंबर हमारा जो स्ट्रक्चर है हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो मेंबर होता है स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर हम मोस्टली जनरली क्या कंसिडर करते हैं, हमारे बीम और कॉलम को कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर जो पहला पार्ट था कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस क्या बोला था मैंने, कि किसी भी मेंबर पे यदि फोर्सेस लगता है तो उसकी पोजीशन में चेंजेस आते हैं। तो मेंबर हम क्यों कंसिडर करते हैं, उस पोजीशन को रोकने के लिए जो मेंबर है अपने अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस को डेवलप करता है, उसी को मैंने क्या नाम दिया था, स्ट्रेस दिया था। तो ये इसकी बेसिक जो पैरामीटर थे, जो इसकी क्वालिफाइड पैरामीटर थे, वो हम डिस्कस कर चुके थे पिछले जो दो लेक्चर जो मैंने आपको दिए उनमें आप देख सकते हैं। और सेकंड जो हमारा पॉइंट चल रहा था टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों। इसके अंदर हमने सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा था नॉर्मल स्ट्रेसेस, उसके हमने डेफिनेशन पार्ट पढ़ लिए थे एक्सियल बेंडिंग और बियरिंग, इसको मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। सबसे पहले जो एक्सियल पार्ट होता है, जैसे कोई भी मेंबर है लाइक बीम है, बीम के अंदर एक्सियल जो स्ट्रेस कैसे जनरेट होते हैं, अलोंग द लेंथ, उसके क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिए थे। सेकंड जो होता है बेंडिंग क्या होता है, किसी भी बीम पर, किसी भी कॉलम पर या एनी मेंबर पर अगर उसकी पोजीशन में चेंजेस आ रहा है ड्यू टू मोमेंट, उसको रेजिस्ट करने के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, उसी को हमने क्या नाम दिए, स्ट्रेसेस नाम दिए। और थर्ड बियरिंग कब जनरेट हो रहा है, जब हम एक मेंबर पर दूसरे मेंबर पर रखते हैं तो उसको मैंने आपको क्या बताया था, बियरिंग स्ट्रेसेस। और ये कैसा होता है, कंप्रेसिव टाइप का होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो हमारा सेकेंड जो स्ट्रेस रहेगा दोस्तों, सेकेंड जो पॉइंट रहेगा सीयर स्ट्रेस रहेगा दोस्तों। अब देखो सेकेंड जो पॉइंट है सीयर स्ट्रेस है, ठीक है। अब मैं आपसे सीधी बात पूछना चाहता हूं, इसको हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस में, और दूसरा होता है अपना इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस में, ठीक है दोस्तों, इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस में। अब मैं आपको नॉर्मल जो इसकी बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है, कि सीयर क्या होता है, सीयर मीन्स होता है किसी भी मेंबर को यदि कोई फोर्सेस काटने की कोशिश करता है तो वो जो मेंबर है जिसको हम हमारे स्ट्रक्चर के लिए बना रहे लाइक बीम और कॉलम, वो अपने अंदर ऐसा इंटरनल पावर या इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट करता है जिससे ये जो पोर्शन है वो उस बॉडी को डिफॉर्म ना कर दे। तो इस प्रकार से जो कर्तन जो बल होता है जो किसी मेंबर को काटने की कोशिश करता है, उसके फलस्वरूप जो मेंबर में इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जो जनरेट होता है उसको हमने क्या नाम दिया है, शियर स्ट्रेस। और इसको हम पढ़ेंगे दो टाइप से, फर्स्ट होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस।
ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं समझाना चाहूंगा आपको, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, हमारा जो सी एस एस होता है इसको हम डिनोट करते हैं टू से। इसका फॉर्मूला होता है सीयर फोर्स, या इसको बोलते हैं अपन टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स टू द एरिया। इसको मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा, ठीक है दोस्तों, आप इसको पॉइंट करके लिख सकते हो। ये बेसिक पार्ट है, मैं वापस आपको रिवाइज इसलिए करवाता हूँ दोस्तों, ताकि जो पॉइंट आप भूल चुके हैं या जिनको पढ़ नहीं पाते वापस, ताकि आपके माइंड में चलते रहे। एट ए प्रेजेंट टाइम पे वो सब चीजें याद रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम उसके अप्लायंस को समझ पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई हमारे पास सीएसएस की। अब जो हमारा अगला जो पॉइंट आएगा दोस्तों, थर्ड, थर्ड जो पॉइंट आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट में, वो होगा हमारे पास स्ट्रेन एंड वियर टाइप्स। ये हमारा पॉइंट रहेगा दोस्तों यहाँ पर, स्ट्रेन और उसके प्रकार। अब मैं जनरली आपसे पूछना चाहूँ कि स्ट्रेन होता क्या है। स्ट्रेन को अगर मैं देखो, हम पढ़ क्या रहे, स्ट्रेन तो मटेरियल पढ़ रहे, पढ़ क्यों रहे, क्योंकि हमारा काम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी स्ट्रक्चर को सेफली और इकोनॉमिकली कंस्ट्रक्ट कर सके, ताकि वो इजीली रिलायबल यूज करने के लिए आ जाए। तो कुल मिला के हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है कंस्ट्रक्शन का, वो होता है इकोनॉमिक और दूसरा सेफ्टी जोन। तो जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको देखो, स्ट्रक्चर क्यों बनता है कि उस मेंबर पर लगने वाले फोर्सेस को वो अपने अंदर इतना इंटरनल फोर्सेस जनरेट कर ले, ताकि मेंबर जो है स्टेबल और सेफली खड़ा रहे। तो कुल मिला के इसलिए हम इसकी स्ट्रेस, जो हमारा सॉन्ग का जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रो पार्ट, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा दोस्तों, थर्ड स्ट्रेंथ एंड डियर टाइप रहेगा। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग हम स्ट्रेस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है सर, आपने बता दिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, सॉन्ग के फंडामेंटल पढ़े, उसके प्रिंसिपल पढ़े। अब उसके बाद सर हमने स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेस क्या होता है, उसके प्रकार क्या होता है, कैसे हम उस मेंबर पर अप्लाई कर पाते हैं हमारे फोर्सेस को, ठीक है वो भी देख लिया। तो सर अब थर्ड पॉइंट जो आपने बोला स्ट्रेंथ एंड देयर टाइप्स, ये सर आपने पॉइंट लिखा हमारा यहाँ पर दोस्तों, इसका फिजिकल रिलायंस जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, तो मैं इसको सीधा अगर सिंपल सिंपल जो डेफिनेशन है उसमें अगर मैं लिखता हूं, तो इसको मैं बोलता हूं विकृति। अब विकृति क्या है, अगर किसी, अब देखो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो मेंबर से मिलकर बना। अब मेंबर में क्या आते हैं, या तो बीम आती है, या कॉलम आते हैं, या एनी मोर स्ट्रक्चर आते हैं। वो मैं धीरे 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 स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे, तो एक एक पॉइंट को सीधा एक एक फंडामेंटल के साथ कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानो कि हम पढ़ क्या रहे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसके बेसिक डेफिनेशन और पैरामीटर पढ़े। सेकंड में हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस पढ़े। सर थर्ड पॉइंट ठीक है सर, हमको ये बेसिक जो दो पॉइंट थे ये हमको क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट जो होता है दोस्तों वो क्या है सर, जैसे आपने लिखा स्ट्रेंथ एंड वियर टाइप, तो सर आप ये बताओ कि एक्चुअल में स्ट्रेंथ होता क्या है। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में आपसे बोलूं दोस्तों, तो इसका मतलब होता है विकृति। अब विकृति क्या होता है, अगर किसी मेंबर पे फोर्सेस या लोड लग रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है, पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं। अब जो उस मेंबर की पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल डायमेंशन के साथ। तो इस प्रकार के जो बेसिक जो इसका डेफिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको भी हम दो प्रकार से कंसीडर करते हैं। सबसे पहले होता है नॉर्मल स्ट्रेंथ, वही स्ट्रेस वाले टाइप की तरह डिफाइन करेंगे इसको, नॉर्मल स्ट्रेंथ, और दूसरा होता है शियर स्ट्रेंथ।